हेलो पिला माने केमती अछो तुम माने सब मु पुणी आउरे तुम मान को स्वागत करू छी केम विजुअल रो YouTube चैनल रे जेमती की गुडे जबरदस्त सीरीज चल स्टार्ट हे जे हमो चैनल रे हमें फर्स्ट डिस्कस कर देले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो किछिटा क्वेश्चन तासु तो कंप्लीट कांसेप्ट माने मु एंती कोई परे कि गोटे क्वेश्चन दिबो किंतु कांसेप्ट बहुत सारा दिबो सेमती हमें क्वेश्चन गुडा डिस्कस करले तापर नेक्स्ट हमें चारटा वीडियो रे कंप्लीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सला परे हमें मूव करबा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो एक बहुत ही भलो टॉपिक जो थिरो क्वेश्चन तुम्हें नीट हो जेई हो ओयूटी हो सीपीईटी एग्जाम हो सब थिरे पाइबो जेंति कि 2020 रो सीपीईटी रे मध्ये 3टा रो 4टा क्वेश्चन आस्तला केमिकल बॉन्डिंग रो नीट जेई रे तो सब बेले क्वेश्चन आस्ती केमिकल बॉन्डिंग रो किछि न होले भी 3टा रो 4टा क्वेश्चन सेति पई गोडे इंपोर्टेंट टॉपिक हिसाब रे मु केमिकल बॉन्डिंग को चूज करली आ पिला मानंगरो भी बहुत प्रॉब्लम थिला सर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप ए सब ऊपर केमती क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवु बहुत कंफ्यूजन होउछि किछिटा कंपाउंड तो हेइ जाउछि किछिटा कंपाउंड रे हो नै सेति पई केमिकल बॉन्डिंग रो एक सीरीज स्टार्ट करबा पई मु ए वीडियो रो तुम मानको गोडे प्लान बतौछि केमती करबा केतेटा वीडियो करबा को टाइप रो क्वेश्चन आनिबा तो मु ट्राई करबी 3टा वीडियो मध्ये रे केमिकल बॉन्डिंग रो सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा कवर करबा पई जोटा कि होजे शेप ज्योमेट्री आउ तुमरो हाइब्रिडाइजेशन उपरे गोटे रु 2टा वीडियो ता सहित तो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी उपरे किछिटा क्वेश्चन नै कि तार कंप्लीट सॉल्यूशन कांसेप्ट सहित तो डिस्कस करबा आउ ए वीडियो रे तुम मानको एको बहुत भलो जिंस मिलियो कि मु क्वेश्चन तुमरो 100% ठीक करी के देखेबी माने एम्ती ट्रिक देबी जो ट्रिक रो हेल्प रे तुमे क्वेश्चन गुडा 100% ठीक करी परबो तो सेमती किछिटा क्वेश्चन नै छी मु आज ता सहित तो कंप्लीट कांसेप्ट बतेबी फर्स्ट तापर क्वेश्चन रो सॉल्यूशन बतेबी तो केमिकल बॉन्डिंग को हमें 3टा रु 4टा वीडियो रे कवर करबा को ट्राई करबा ता पूर्व रु जदि तुमे चैनल रे नुवा अछो आ ई वीडियो तुम मन को भल लागो जे चैनल को भल लागो जे तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो बुझियो जी कोन पई कि तुम मन को आमो वीडियो रो नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी भीतर मिलि जिवो तो जेंति कि सब वीडियो रे मु कहि आसे ए वीडियो रे मध्ये कहू छी आमे गुडे कांसेप्ट सिखु छु बुझियो जी से कांसेप्ट सिखवा को आमे जदि स्टोरी बोलिया सुनिबा ताले एबोनी तो खाता और पेन नहीं कि बस्ता पिला माने आप क्वेश्चन को ट्राई करो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को स्टार्ट करो जदि क्वेश्चन हे गला बहुत भलो कथा जदि क्वेश्चन होउनी ताले कांसेप्ट को सिखो बुझियो जे तो हमें फर्स्ट स्टार्ट करबा कि कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आउ शेप बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देबी जो ट्रिक को तुम्हें यूज करी कि केमती भी टाइप रो क्वेश्चन आसु ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन शेप को नेकी इजीली सॉल्व कर पारियो तो दीटा ट्रिक देबी सबटु फर्स्ट तापर हमें क्वेश्चन पटे मूव करबा तो फर्स्ट ट्रिक होजी ट्रिक नंबर 1 जोडा हाइब्रिडाइजेशन पई सबटु फर्स्ट आ एटा इंपोर्टेंट होजी एथि पई कि एटा रे तुमरो इजीली हे जिवो नेक्स्ट आ भी इजीली हे जिवो तो दीटा रे ट्रिक डिस्कस करबा फर्स्ट ट्रिक होजी मु गोटे एग्जांपल लेके ट्रिक गुडा को बतौ छला सपोज हमें गोटे एग्जांपल लउजी फर्स्ट क्वेश्चन रो एग्जांपल टा कोई नै जाउजी CnF3 ए एग्जांपल टा कोई लेके हमें ट्रिक गुडा करबा जेते बेले भी हाइब्रिडाइजेशन बाहर करिवार अछि कोउ भी कंपाउंड रो तमे देखिवो सेंट्रल एटम रो वैलेंस सेल रे केते इलेक्ट्रॉन अछि कोन कहली सेंट्रल एटम रो वैलेंस सेल रे केते इलेक्ट्रॉन अछि जेने कि एडी गुडे कंपाउंड अछि CnF3 डी क्लोरीन टा होजे सेंट्रल एटम आ सेंट्रल एटम रो वैलेंस सेल रे केते इलेक्ट्रॉन अछि 7टा इलेक्ट्रॉन अछि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तापर नेक्स्ट देखियो साइड एटम केतेटा अछि आ से साइड एटम डा मोनोवेलेंट ना डाइवेलेंट ना ट्राइवेलेंट बुझला कोन कहली तो हमें जान जो फ्लोरीन रो आउटर मोस्ट सेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि क्लोरीन डा भी ग्रुप नंबर 17 रो आउटर मोस्ट सेल रे 7टा इलेक्ट्रॉन अछि तो एटा कोन कहबा गोटे मोनोवेलेंट एटम कोन पई कि सी एस स्टेबल हबा पई गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे सेते में हम ताको कहबा मोनोवेलेंट एटम तो फ्लोरीन कोन करबो ए क्लोरीन रो जो वैलेंस सेल लुक केतेटा फ्लोरीन अछि 3टा फ्लोरीन अछि 3टा मोनोवेलेंट एटम 3टा फ्लोरीन एटम 3टा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो माने कि जो बॉन्ड पेयर हे गला ए कंपाउंड पई जो बॉन्ड पेयर हे गला सेटा हे गला 3 बुझला नेक्स्ट केतेटा इलेक्ट्रॉन रिमेन रोई जाई छी 1 2 3 4 ए एटम गुडा बे बॉन्ड पेयर रे पार्टिसिपेट हेबे नी कोथरे पार्टिसिपेट करबे लोन पेयर रे पार्टिसिपेट करबे आ हमें जान जो गोटे लोन पेयर रे 2टा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हेते तो एही 2टा इलेक्ट्रॉन गोटे लोन पेयर एही 2टा इलेक्ट्रॉन गोटे लोन पेयर माने कि 2टा लोन पेयर हो कोन कहली 2टा लोन पेयर 3टा बॉन्ड पेयर आ 2टा लोन पेयर तो 3टा बॉन्ड पेयर आ 2टा लोन पेयर को तुमको कोन करिवार अछि ऐड करि देवार अछि आ केते आस जाउ छि नंबर टे गोटे 5 तो एटा होची स्टेरिक नंबर कोन कहली स्टेरिक नंबर
सेइ स्टेरिक नंबर को फॉलो करिकि तुम्हें इजीली हाइब्रिडाइजेशन बाहर कर पारियो जदी स्टेरिक नंबर तुम्हारो 2 हला हाइब्रिडाइजेशन हे जबो एसपी जदी स्टेरिक नंबर 3 हला एसपी2 जदी स्टेरिक नंबर 4 हला एसपी3 जदी स्टेरिक नंबर 5 हला तुम्हारो एसपी3डी एसपी3डी एंड जदी स्टेरिक नंबर 6 हला एसपी3डी2 एंड जदी स्टेरिक नंबर 7 हला एसपी3डी3 हाइब्रिडाइजेशन हबो बुझे बुझे तो तुम्हें एमती क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करि परबो तो एही क्वेश्चन रे हमर जो स्टेरिक नंबर असला 5 ता पई हाइब्रिडाइजेशन कोन होइजबो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होइजबो ए क्वेश्चन पई बुझला तो क्वेश्चन रा हमें सॉल्यूशन बाहर कर देले ए क्वेश्चन रो clf3 रो हाइब्रिडाइजेशन कोन थिला बुझु एटा थिला ट्रिक नंबर 1 सेकंड ट्रिक जोडा भी तुम्हें इजीली सॉल्व करि परबो जोडा इजीली तुम्हें बुझिजबो फास्ट तो सबडो फास्ट होजी हमें क्वेश्चन केंदे ठीक करबा ट्रिक सिखी गले कांसेप्ट भी सिखी दबा कथा ता परे आमे केंदे क्वेश्चन गुडा को इजीली अटेम्प्ट करि परबा इजीली सॉल्व करि परबा सेई सब जिंस हम बतो छी नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन पई बहुत इंपोर्टेंट सेई क्वेश्चन ता कोई नहीं कि चल जे clf3 कोन पई आमे दीटा देखो क्वे रे देखिबा कि आंसर ता सेम आछी कि नै आंसर ता करेक्ट आछी कि नै बुझो जे बिलाने तो सबटु फर्स्ट सेकंड ट्रिक रे मु तुमन को कहू छी फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करबो कोन कहली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से चाहे सेंट्रल एटम रहो चाहे साइड एटम रहो बुझला तो एही सेंट्रल एटम क्लोरीन पई केतेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एटा भी ग्रुप 17 रो एलिमेंट फ्लोरीन ता केतेटा फ्लोरीन होची तीनटा फ्लोरीन होची तो प्लस 3 × 7 कोइ दुजी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते हेजबो हमरो 28 हेजबो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोन कहली सबडु फर्स्ट स्टेप रे तुमन को कोन करिवार होची टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिवार होची बुझला एबे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एबे दीटा स्टेप फॉलो करे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जदी तुमरो 2 रु 8 भितर रहला ता पई गोटे रूल आ गोटे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जदी 8 रु 56 हला ता पई गोटे कोन करबो जदी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रु 8 भितर गोटे नंबर आसला ताको 2 द्वारा डिवाइड करबो कोन कहली जदी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रु 8 भितर आसला ताकू कोन करबो 2 द्वारा डिवाइड करो सपोज मु कहू जे 6 आसला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ताकू 2 द्वारा डिवाइड करबो 2 द्वारा डिवाइड करले केते आसछि हमरो 3 आसछि एइटा हे जबे तुमरो स्टेरिक नंबर कोन कहली 3 हे जबे स्टेरिक नंबर आ कंपाउंड रो हाइब्रिडाइजेशन ता हे जबे sp2 बुझला तो हमरो क्वेश्चन कोन थला हमरो थला clf3 सेति भई हमरो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते आसु थला 28 तो हमें 28 को नै देखिबा 28 पई कोन करबो जे तोला कि 8 रु 56 भितरे नंबर आछि फर्स्ट ताको तुमे 8 रे डिवाइड करबो कोन कहली फर्स्ट ताको तुमे 8 रे डिवाइड करबो माने 28 डिवाइडेड बाय 8 करू जे देखो एडी ठीक अछि कोन कहली बुझला तो 8 3 सा तुमरो 24 आसीला आ 4 रहला नेक्स्ट जो तुमरो रिमाइंडर ता रहू जे सेही रिमाइंडर ता जदी ग्रेटर देन 2 होला कोन कहली रिमाइंडर ता जदी ग्रेटर देन 2 होला ताको अगेन 2 द्वारा डिवाइड करबो 2 रे डिवाइड करली 2 द 4 आसीला 0 आसीला एबे नेक्स्ट तमे डिवाइड करि सला परे एही फर्स्ट क्वोशन्ट ए सेकंड क्वोशन्ट आ एही रिमाइंडर को ऐड करबो माने 3 + 2 + 0 करबो केते आसीला 5 आसीला एटा हे जाउ जेबे तुमरो स्टेरिक नंबर कोन कहली एटा हे जाउ जेबे तुमनकर स्टेरिक नंबर आ स्टेरिक नंबर 5 पई आमे देखि जोंती हाइब्रिडाइजेशन हे जाउ जी sp3d बुझला तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमें चाहे फर्स्ट ट्रिक रो बाहर करू किबा सेकंड ट्रिक रो बाहर करू आंसर ता सेम आसुचि आ एटा दिला हमरो दीटा पई हाइब्रिडाइजेशन रो ट्रिक बुझला एबे हाइब्रिडाइजेशन मिलि गला परे तुमे शेप ज्योमेट्री बाहर करि परबो इजीली तो हमें मूव करबा हाइब्रिडाइजेशन रो हमें केंदी शेप आ ज्योमेट्री बाहर करबा बुझियो जी फर्स्ट कोता तुमे केबे भी भाबिबोनि कि ज्योमेट्री आ शेप सेम होस कोन कहली ज्योमेट्री आ शेप ऑलवेज सेम न थाय बुझियो जी तो किछीटा केस एंती थाय जोटी ज्योमेट्री तो रहइबो अलगा किंतु शेप ता भी चेंजेस आसीबो तो क्वेश्चन देखिबो तुमको ज्योमेट्री पचारी छी ना शेप पचारी छी बुझियो जी बिलाने तो जते बेला भी तुमरो स्टेरिक नंबर 2 आसु छी एसपी हाइब्रिडाइजेशन आसु छी तुमरो ज्योमेट्री हो किबा शेप हो कोन आसते हो जी लीनियर आसते हो छी बुझियला देन सेकंड जेतला स्टेरिक नंबर 3 आसु छी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आसु छी एटी भी गोटे टाइप रो तुमरो ज्योमेट्री आसे सेटा हो छी ट्रायंगुलर प्लानर कोन कहली ट्रायंगुलर प्लानर बुझियो जी बिलाने नेक्स्ट तुमरो स्टेरिक नंबर जेतला 4 आसु छी एटी मु दीटा केस लेखु छी गोटे केस हो छी हाइब्रिडाइजेशन समस्तन को पई समान सेही sp3 हाइब्रिडाइजेशन किंतु दीटा केस लेखु छी कोन पई केस नंबर 1 रे तुमरो 4 बॉन्ड पेयर रहु छी आउ केस नंबर 2 रे तुमरो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर
आ गोटे केस नंबर 3 कर दो जो टू बॉन्ड पेयर आ टू लोन पेयर रोज सब स्टेरिक नंबर 4 कौन पाए कि स्टेरिक नंबर 4 रे हमर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आसु छी बुझियो जी। नेक्स्ट हो छी 4 बॉन्ड पेयर जते बड़ा रहू छी सते बड़े तुमरो स्ट्रक्चर टा जो आसु छी सेटा हो छी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन आसु छी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बुझियो जे तरह क्वेश्चन करबा हम तुमन गोटे गोटे करे के देखेबे कि टेट्राहेड्रल कोन ट्राइगोनल प्लानर कोन लीनियर कोन बुझियो जी। आ समस्तन को पाई तुमरो एटी ज्योमेट्री टा हो छी टेट्राहेड्रल कोन कहली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समस्तन को पाई किंतु शेप टा केंदी वेरी करिवो देखो समस्तन को पाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किंतु शेप टा कोन ये फर्स्ट पाई हमरो टेट्राहेड्रल सेकंड पाई होउची पिरामिडल सेकंड पाई पिरामिडल जेंति कि तुमरो एग्जांपल गोटे दे दोउची NH3 रो केस NH3 पाई तुमरो पिरामिडल ज्योमेट्री असे कोन पाई एंथी केस असे नाइट्रोजन ऊपर गोटे लोन पेयर ते एटी हाइड्रोजन तीनटा लागि तांते तो एटा गोटे पिरामिड टाइप रो देखाउ जति पाई आकु गोटे पिरामिडल शेप बोली कि कोआ जाय। अब टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर को तुमरो वी शेप भी के कोन थे के बेंड शेप भी कोन थे तो दीटा देखो करेक्ट बुझियो जी दीटा देखो करेक्ट। नेक्स्ट मूव करबा स्टेरिक नंबर 5 आ जोडा मोस्ट इंपोर्टेंट तुमे को भी एग्जाम दियो जेई नीट ओयूटी रो बहुत फेवरेट क्वेश्चन और फेवरेट प्लेस होची स्टेरिक नंबर 5 तो स्टेरिक नंबर 5 ऊपर डिस्कस करबा इट बहुत गुडा केस आसीबो समस्तनकर हाइब्रिडाइजेशन टा जो थिबो sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन समस्तनकर ज्योमेट्री थिबो tbp कोन tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ एट केतेटा केस आसछु देखो फर्स्ट केस हम कहूची 5 बॉन्ड पेयर थिबो 5 बॉन्ड पेयर थिबो ले से tbp ज्योमेट्री tbp से। नेक्स्ट सेकंड केस होजी 4 बॉन्ड पेयर थिबो आउ प्लस 1 लोन पेयर थिबो एक केस रे तुम्हारो जो ज्योमेट्री के जो शेप टा से सेटा होजी स्क्वायर पिरामिडल कोन कहली स्क्वायर पिरामिडल बुझला पिलाने। नेक्स्ट नेक्स्ट होजी स्टेरिक नंबर तुम्हारो सही 5 रे 3 बॉन्ड पेयर आउ 2 लोन पेयर थिबो ज्योमेट्री तो सही टीपीपी बट तुम्हारो शेप टा जो आसी जो कोन आसी जो शेप टा आसीबो तुम्हारो टी शेप कोन कहली टी शेप आसी जो बुझला पिलाने तीनटा बॉन्ड पेयर थिबो ता सहित दुटा लोन पेयर थिबो। देन नेक्स्ट केस होजी तुम्हारो 2 बॉन्ड पेयर थिबो आउ 2 बॉन्ड पेयर थिबो ता सहित कोन थिबो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर थिबो ता सहित 3 लोन पेयर थिबो एमटी केस रे तुम्हारो जो सेट आसीबो सेट आसीबो लीनियर सेट लीनियर सेट कोन कहली बुझला 3 बॉन्ड पेयर थिबो 2 लोन पेयर थिबो तुम्हारो टी शेप आसी जाय किमा सीसो शेप भी ताकू कह जाय सीसो टाइप रो भी देखा जाय केंती देखा जाय देखो कह दो तुमन को 3 बॉन्ड पेयर थिबो 2 लोन पेयर थिबो तो 3 बॉन्ड पेयर केंती देखा जाय देखो तुमन को एडी जो सेंट्रल एटम का रहला दीटा लोन पेयर थिबो दीटा लोन पेयर एडी देखि दो छी एटा गोटे बॉन्ड पेयर एटा गोटे बॉन्ड पेयर एटा 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर याको सीसो टाइप रो स्ट्रक्चर भी कहि पारिबो तुम माने किंबा याको तुमको टी शेप भी देखाइ दो बुझियो जी। तो एति की केस आसी पारे तुमरो स्टेरिक नंबर 5 रे सेमथि स्टेरिक नंबर 6 रे तुमरो हाइब्रिडाइजेशन आसीबो sp3d2 sp3d2 आ एडी जो ज्योमेट्री आ सेबस वो सेटा आसीबो तुमरो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आसीबो बुझियो जी। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 7 रे तुमरो आसीबो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एडी तुमरो जो आसीबो एडी आसीबो pbp कौन कहली पीबीपी पीबीपी माने कोन पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो एटा जेला कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहा पाई हाइब्रिडाइजेशन पाई एबे हमें मूव करबा क्वेश्चन गुडा को केनते सॉल्व करबा बुझियो जे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम मान को दे छी हाउ मेनी लोन हाउ मेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन सीएलएफ3 ए क्वेश्चन टा ऑलरेडी हमें डिस्कस कर देले दीटा जको ट्रिक यूज करके तार हाइब्रिडाइजेशन थिला sp3d जदी शेप पचारिबो जदी शेप पचारिबो कोन कहबो आ ज्योमेट्री पचारले कोन कहबो तो हमें देखबा को केस आसुतला हमरो आसुतला तीनटा बॉन्ड पेयर आसुतला आ दीटा लोन पेयर आसुतला तो हमें शेप आ ज्योमेट्री भी कहि परबा ए क्वेश्चन रो देखो 3 बॉन्ड पेयर आ 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर आ 2 लोन पेयर एडी तुमे कहि परबो एटा टी शेप आसे किंतु यार जो ज्योमेट्री रासे टीबीपी आसे बुझला पिलाने एटा जे वाला फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन देखे हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ i3 माइनस बहुत ही भलो क्वेश्चन आ ए क्वेश्चन रो लेवल को बहुत टाइप रो कर परबो केंति कर परबे देखो तुम माने मु फास्ट तो करू छी जेई नीट लेवल रे केंति क्वेश्चन आसे तापर गोटे क्वेश्चन कहबे तुमको जेई एडवांस रे सेम क्वेश्चन टा को लेवल आसे बुझला पिला माने कोन कहू छी तुमे चाहे सीपीईटी दियो नीट दियो ओयूटी दियो एही लेवल पई गोटे टाइप रो क्वेश्चन आसीबो सेम कंपाउंड क्वेश्चन किंतु बहुत वेरियस टाइप रो आसी पारे
जेंदी फर्स्ट टाइप रो हम गोजी जदी जदी क्वेश्चन ना तुम्हारा सीपीटी की ओयूटी की नीट पई आसला किबा जेई मेन पई आसला क्वेश्चन एंदी दितो कि सेंट्रल एटम रे केते का लोन पेर होची बुझियो जी तो तुम्हें दीटा ट्रिक भीतर को ट्रिक ता भी अप्लाई करि पारो मु सपोज सेकंड ट्रिक रे करूची हमर होची i3 माइनस i3 माइनस रे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिवा फर्स्ट जेटा ग्रुप नंबर 17 माने वैलेंस ले सातटा इलेक्ट्रॉन दिबो तीनटा आयोडीन होची 3 * 7 21 हेगला माइनस चार्ज अछि गुटे प्लस कर देली 1 हम भाई चार्ज जुडा था हम इलेक्ट्रॉन ऐड करिजु तो 22 हेगला एबे कोन करबी मु एटा एबे 8 रु बडो अछि सो 22 को मु डिवाइड करबी का द्वारा 8 द्वारा बुझियो जी तो 8 टू द 16 आसी जाउ छी एटा और तुम्हारो रिमाइंडर रह जाउ छी 6 एटा एबे 2 रु बडो वाला तो 2 द्वारा अगेन डिवाइड करबी 3टा 2 3 जा 6 आसीला 0 आसीला माने कि माने गेटे मु कोई बार भी एटा जोटा रहू छे एटा तो थिला मोर बॉन्ड पेयर एटा थिला मोर बॉन्ड पेयर एटा थिला लोन पेयर बुझो जे जेहेतु रिमाइंडर किछ नाही तो स्टेरिक नंबर केते आसी जो 2 + 3 = 5 बुझला तो हाइब्रिडाइजेशन दा एटा आसी वाला सेम sp3d बुझला sp3d किंतु आमे देखि दिले जस्ट टिके आगरो दीटा बॉन्ड पेयर तीनटा लोन पेयर तिले सेपटा कोन आसे सेफ्टा से हमरो लीनियर किंतु हमरो ज्योमेट्री टा से वो सेटा हो जे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो हमें सेफ्टा देखो जो सेफ्टा देखो ड्रा करबा सेंट्रल रे आयोडीन एटी गुटे आयोडीन एटी गुटे आयोडीन तेई वाला दीटा आयोडीन और तीनटा लोन पेयर एटी देखि परबा तो एईटा हे गला लीनियर सेफ और i3 माइनस रो स्ट्रक्चर टाइप लाइक तो हमें हमको क्वेश्चन को चार जी हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम क्वेश्चन को चार जी बोल ले देखो सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम रो सराउंडिंग रे केतला लोन पेयर होछ 1 2 3 तीनटा लोन पेयर होछ सेम क्वेश्चन जदी जेई एडवांस रे पचारतां ता कोन पचारतां ता से पचारतां ता हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट्स इन द प्रेजेंट इन i3 माइनस माने कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जदी पचारतां ता कोन करतां तो मैं जदी 3 लिखि दांदो ताले सेठी ही मिस्टेक कोलो कोन भाई टोटल लोन पेयर जदी पचारतां ता एडी तुमको देखा हो जे आयोडीन रो वैलेंस रे और छोटा इलेक्ट्रॉन छ गोटे बॉन्ड कर दीजी और छोटा इलेक्ट्रॉन छ एडी भी सेम छोटा इलेक्ट्रॉन छ तो केतेटा लोन पेयर होला एडी तीनटा लोन पेयर एडी तीनटा लोन पेयर एडी तीनटा लोन पेयर सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हिजबो 9 क्वेश्चन रो लेवल देखो केंदी चेंज हला एटा थिला नॉर्मल लेवल एटा आसीला एडवांस लेवल क्वेश्चन तुमको फर्स्ट देखिबो पचार छ कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पचार छ कि सेंट्रल एटम सराउंडिंग रो लोन पेयर पचार छ बुझला बुझला टॉपिक ता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन ता भी तुमरो बहुत भलो क्वेश्चन आ गोटे कथा कहि रखबी जो फर्स्ट क्वेश्चन ता आथिला सेटा तुमरो सीपीईटी रे ऑलरेडी आसी सारछि क्वेश्चन ता आ जो सेकंड क्वेश्चन आथिला सेटा जेईई मेन रे भी आसी सारछि 2018-19 रे आसी सारछि क्वेश्चन ता आ नेक्स्ट क्वेश्चन ता भी तुमरो नीट रो गोटे क्वेश्चन त मु सब टॉपिक रो क्वेश्चन नै जाउ सब एग्जाम रो क्वेश्चन नै जाउ द जेनन कंपाउंड दैट आर आइसोस्ट्रक्चरल विथ IBr2 नेगेटिव एंड BrO3 नेगेटिव रेस्पेक्टिवली सबड फर्स्ट देखिबा आमे फर्स्ट तो चेक करिबा कि एई दुटा कंपाउंड रो कोन हमर स्ट्रक्चर गुडा फर्स्ट देखियो फर्स्ट कंपाउंड दे जामको IBr2 नेगेटिव देन सेकंड कंपाउंड दे जामको BrO3 नेगेटिव देखो फर्स्ट या सेकंड ट्रिक रे ऑलरेडी गुडा क्वेश्चन कर सालेनी अबे फर्स्ट ट्रिक रे गुडा क्वेश्चन करबा फर्स्ट क्वेश्चन सपोज करबे एटी सेंट्रल एटम दा आयोडीन रो सराउंडिंग रे केतरा इलेक्ट्रॉन छ 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन छ किंतु गोटे नेगेटिव चार्ज छ माने एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रॉन आसी जेतो बुझला एबे जो ब्रोमीन दा छ सेटा कोन मोनोवेलेंट एटम दा एटी गोटे ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड कर देला माने कि 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 2 3 लोन पेयर बे क्वेश्चन दा संगे संग तुमरो सॉल्व हो कोन कहिले 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर माने स्टेरिक नंबर आसी गला 5 आ जदि स्टेरिक नंबर 5 आसी गला हाइब्रिडाइजेशन ना कोन आसी जो sp3d आ हमें जान जदि दीटा बॉन्ड पेयर आ तीनटा लोन पेयर पई जो हमरा स्ट्रक्चर ता आसुला सेपटा आसुला सेटा आसुला लीनियर जस्ट टिके आगु देखली भल रे देखो भल रे बुझो आ ट्राई करो से पूरा कांसेप्ट ता को नोट रे लिखियो पई बुझियो जी तो या पई थिला स्ट्रक्चर ता केनी ड्रा करबा आयोडीन ब्रोमीन दीटा थिबो एडी दीटा ब्रोमीन थिबो एडी तीनटा लोन पेयर थिबो हे गला लाइक तुम्हारो i3 माइनस भले IBr2 नेगेटिव रो स्ट्रक्चर टा भी आसी जो तो हम एटू गोटे क्वेश्चन को देखि किना गोटे क्वेश्चन को देखि गोटे फर्स्ट टाइम सॉल्व करके को ऑप्शन को एलिमिनेट कर पर जते देखिबा हमें देखले जो IBr2 नेगेटिव टा आछी सेटा कहां से तो एटी दीटा कंपाउंड दिस देखो जेन XeF2 आ XeO3 तो यार भी स्ट्रक्चर ड्रा कर दो देखो XeF2 रो भी स्ट्रक्चर टा तुम्हारो आसीबो सेम का भले IBr2 नेगेटिव कोन भाई एटी आठटा इलेक्ट्रॉन अछि देखो
आउ टोटल बतोने तुमको स्टेप वाइज केमति करबा एठी आठटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची दीटा बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन करला टू बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन करला आ कतरा इलेक्ट्रॉन होला छोटा इलेक्ट्रॉन माने तीनटा लोन पेयर एबे देखिरे टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर माने आईबीआर को नेगेटिव होला सेम सेम आसीबो कारो एक्ससीएफ पुरो लीनियर तो एईटा को देखि गे हमें दीटा ऑप्शन इटू एलिमिनेट कर परबो ऑप्शन नंबर बी आ ऑप्शन नंबर डी कोन पे जे एईटा बेंड दिस क्लियर होला क्वेश्चन को केमती सॉल्व करबा के देखो एग्जाम रे तुमको स्मार्ट वर्क करबा रोछ कि को ऑप्शन को फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं तो हेबार नहीं है बिल्कुल भी बुझे बुझे नेक्स्ट हमें देखा सेकंड ऑप्शन बीआरओ थ्री देखिए सेकंड ऑप्शन ने आपको देखिए बीआरओ थ्री नेगेटिव सहित कौटा सेम आस बीआरओ थ्री नेगेटिव जो देखिए ये कितना देखो देखो अब ट्रिक अप्लाई करछि सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोटे अछि माने एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एबे ऑक्सीजन टा कोन ऑक्सीजन टा होली गोटे डाइवैलेंट एटम कोन कहली ऑक्सीजन टा होली गोटे डाइवैलेंट एटम तो आठटा एटम रु दीटा 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 तीनटा ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन करला बुझला देखो जदि बुझियो ने देखो बुझ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आठटा इलेक्ट्रॉन हो गला ऑक्सीजन के तरह ए दीटा पई गोटे गोटे ऑक्सीजन सहित कोन करले ए दीटा गोटे ऑक्सीजन सहित ए दीटा गोटे ऑक्सीजन सहित कोन पई एटा गोटे डाइवैलेंट एटम सहित पई दीटा इलेक्ट्रॉन ने दीटा इलेक्ट्रॉन सहित बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन करला माने 3 बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन होला बुझियो जे ता सहित गोटे लोन पेयर कोन कहली प्लस 1 लोन पेयर जदी गुटे लोन पेयर ला 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पई कोन ला हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ता सहित स्टेप कोन आसला पिरामिड ला सुतला देखि दिला हमें अमोनिया रो केस कोइतले तुम मन को पिरामिड ला सु तो सिमिलरली हमें जे देखिबा एटा पिरामिड ला सु जे सिमिलरली तुम माने देखि पारिबो xco3 टा भी पिरामिड ली हेबो कोन कहली xco3 टा पिरामिड ला कोन पई ज़ेनॉन रो सराउंडिंग रे 8टा इलेक्ट्रॉन अछि 3टा ऑक्सीजन अछि 6टा इलेक्ट्रॉन हे माने 3 बॉन्ड पेयर हेबो आ गोटे लोन पेयर हेबो गोटे लोन पेयर होला माने 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पई कोन पिरामिड तो मते जोटा ठीक लागो सेटा होछ ऑप्शन नंबर ए लीनियर xcf2 ता सहित पिरामिडल xco3 एठी हमें कंप्लीट जिंसो ने लिखा बा का पई हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आ शेप पई बुझो जी देखो तुम माने जदी पूरा कंप्लीट रो पीडीएफ टा चाहो जो तो मोरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुम मान को दे दीथि बुझो जी मिलो ना नेक्स्ट देखो ए वीडियो रो इंपोर्टेंस एथि पई तुम मान को जे ए वीडियो रो तुमको बहुत किछि जिंसो सिखिवा को मिली होला इजीली तुम एबे नीट हो ओयूटी हो जेई हो ओजेई हो जो भी एग्जाम दियो सपोर्टी 2 रु 3 मार्क्स इजीली स्कोर कर परियो जेई पई तो मोर देन 8 मार्क्स माने दीटा क्वेश्चन तो मोस्ट जेई एग्जाम पई तुम बुझियो जे तो नेक्स्ट हमें टॉपिक डिस्कस करबा बेंट रूल ड्रैगस रूल बेरी स्यूडो रोटेशन ऊपर किछटा क्वेश्चन ने भी मु सेई क्वेश्चन थ्रो रे मु तुमन को सब कांसेप्ट को क्लियर करबी बुझियो जे ता पूर्व आ गो क्वेश्चन टा मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस टा मु बाबू जे एडी छाडली सेई क्वेश्चन टा को डिस्कस कर दो जे क्वेश्चन आसे तुमरो NH3 आ NSiS3 रो होल 3 ए दीटा कंपाउंड को भी देखो ए दीटा कंपाउंड रो भी क्वेश्चन आसी सर जी ऑलरेडी जेई रे सेति मैं मु इंपोर्टेंस दउ जे क्वेश्चन को ए क्वेश्चन ना को पूरा ध्यान रे सुनो बुझियो जे गोटे कंपाउंड गोटे दे जे मु NH3 आ गोटे दउ जे NSiS3 रो होल 3 ए दीटा कंपाउंड रिलेटेड क्वेश्चन पुछै परो कोन क्वेश्चन पुछै परो दि जन को शेप ऊपर क्वेश्चन हो जाई परे दि जनकर बेसिक नेचर ऊपर क्वेश्चन भी पचारी पारे बुझियो जे कोन कहली बोल सकु जो ए दिटा कंपाउंड रे तुमको बेसिक बेसिसिटी रो ऑर्डर भी पचारी पारे किंबा दिटा जकर शेप रिलेटेड क्वेश्चन भी पचारी पारे बुझियो जे तो NH3 कोता तो हमें पढ़ी के आसी जोंती ऑलरेडी कोन पढ़ी जोंती NH3 जस्ट देखिथिले NH3 टा होउ जमर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ता सहित पिरामिडल शेप कहि के देखिथिले आउ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहि के देखिथिले नेक्स्ट SiS3 जदि हमें ड्रॉ करिबा त माने भाबुत हो कि सेम द सेम एटिन लोन नाइट्रोजन ऊपर गोटे लोन पेयर दिबो आ तीनटा SiS3 लागिथिबे कोन कहि नाइट्रोजन ऊपर गोटे लोन पेयर लागिथिबो आ तीनटा SiS3 एंति लागिथिबे आउ तुमे लेखि के आसीबो एग्जाम रे कि सर यार जे सेम तुमरो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आउ शेप होजि पिरामिडल आउ सेटी हे जेबो क्वेश्चन दा तुमरो रॉन्ग बुझियो जे बिलाने एडी जदी पिरामिडल लिखि देलो क्वेश्चन दा रॉन्ग हे जेबो कोन पाई रॉन्ग हे जेबो ए सिलिकॉन जो होची ता पाकरे वैकेंट डी ऑर्बिटल होची कोन को कहली सिलिकॉन जो साइड एटम दा होची ता पाकरे वैकेंट डी ऑर्बिटल होची आउ ए नाइट्रोजन रो एटा होची पी पाई इलेक्ट्रॉन गुडा पी ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन गुडा तो जो वैकेंट डी पाई ऑर्बिटल गुडा होची कोन करंती ए पी पाई ऑर्बिटल गुडा ओवरलैपिंग करंती डी पाई सहित माने एटी कोन होए पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होए कोन कहली पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होए जोदी पाई कि ए जो लोन पेयर ता जे से या सहित ओवरलैप करे एटी भी ओवरलैप करे एटी ओवरलैप आ एटी गुडा इंपोर्टेंट जिंसोटा से जोटा को मैं कहू छथि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहा जाय कोन कहली डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहा जाय
देखो ए जिनसोटा केही भी जानी नथिबो फर्स्ट टू होय तो सेति में मु गुडे नुवा जिनसोटा कहि तुमको एडा को डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहले आ ए रेजोनेंस पई कोन होए ए रेजोनेंस पई गुडे चेंजेस असे कंपाउंड रो कंपाउंड रे कोन चेंजेस असे एटी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थिला हमरो किंतु एटी हमरो जो हाइब्रिडाइजेशन आसे सेटा sp2 हे जाय कोन पई एटी बॉन्ड एंगलटा नियरली हमरो केते थाय 107 डिग्री थाय केते थाय 107 डिग्री थाय आ ओरिजिनल हमरो टेट्राहेड्रल एंगलटा 109 डिग्री 28 मिनट है तो सेट टू टिक के डिक्रीज करिता है ड्यू टू लोन पेयर ए बॉन्ड पेयर रिपल्सर लोन पेयर रिपल्सर पे एंगल लटिए कमी है 18 नियर अबाउट तुम्हारा 119 डिग्री एक्चुअली है ताको हम यदि कहबा नियरली 120 डिग्री बॉन्ड एंगल था आउ सेति पई ए कंपाउंड का प्लानर हो जाए कोन कहली सेति पई ए कंपाउंड का प्लानर हो जाए कहां पई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पई तो एटा होजे कंप्लीट कांसेप्ट लाई कंपाइडीटा कंपाउंड रो आउर इंपोर्टेंट मींस जदी ये स्ट्रक्चरटा प्लानर ही गोलाबे जदी ये स्ट्रक्चरटा प्लानर ही गोलाबे एबे यारो बेसिसिटी ए कंपाउंड होबे के अधिक कोन कहले जत्ते बडा लोन पेयर एटी कंप्लीटली अवेलेबल होजे किंतु एटी लोन पेयर ही अवेलेबल नै सेति में बेसिसिटी कहार अधिक आबो NS3 रो अधिक आबो NSIS3 अपेक्षा ए कंपाउंडटा तुमरो जेई एडवांस रे भी आसी सर्च थोरे ई क्वेश्चन सेति में मु इंपोर्टेंट कोई के डिस्कस करली तुम एग्जाम रे नेक्स्ट टाइम आसी पारे बुझो जे तो एटा गुडे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थिला एई वीडियो रो नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कस करिवा बेंट रूल ट्रागोस कंपाउंड ऑफ बेरी स्यूड ऑफ रोटेशन ऊपर किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता पूर्वर कोई रखियो जदी एंती किछ क्वेश्चन तुम मानको कोथरे भी प्रॉब्लम हो जे तुम्हें कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो जोति पाई कि मु तुमन को ट्राई करबी आउ नुवा कांसेप्ट मध्ये क्लियर करबा पाई बुझियो जे पिला माने तो थैंक यू तुमन को तुमन बहुत सपोर्ट करचो जीओसी रो लेक्चर मते बहुत भलो मोटिवेशन मिलला तुमन को पाई बहुत भलो रिस्पोंस करचो तुम माने बुझियो जे पिला माने